हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन मेरा नाम है कृतिका स्वागत करती हूं आप सभी का अन अकेडमी पर गुड आफ्टरनून दोस्तों कैसे हैं सब लोग जल्दी से लाइव आ जाए गुड आफ्टरनून एवरी वन देखिए जो भी आज मेरे साथी हैं पहली बार अगर आए हैं एक मिनट गुड आफ्टरनून गाय एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए आवाज़ आपको मेरी क्लियरली आ रही है आवाज वॉइस बिल्कुल क्लियर है अगर आवाज़ क्लियर है तो एक बार मुझे थम्सअप कर दें और जो भी आज पहली बार आए हैं अन अकेडमी यूजीसी नेट पे या पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं दोस्तों तो मैं बता दूं मेरा नाम है कृतिका पारिक अनअकेडमी पर मैं एजुकेटर हूं दोस्तों और पिछले मई 2020 से आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस लेके आ रही हूं अन अकेडमी पर अनअकेडमी प्लस पे तो जो भी मेरे साथ अगर मेरे साथ अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस लेना चाहते हैं फ्री क्लासेस जहां पे मैंने दोस्तों अभी सत्रह सो एमसीक्यूज की सीरीज चला रखी है जी हाँ सेवनटीन हंड्रेड एमसीक्यूज की सीरीज चलाई है जिसके ट्वेंटी टेस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं मेरा टारगेट है इसको लगभग लगभग मैं आपके इसके नाइनटी टू हंड्रेड टेस्ट में लेने वाली हूं जिसमें से ट्वेंटी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं तो जो भी लेना चाहते हैं इस टेस्ट को वो शाम को सात बजे मंडे टू फ्राइडे मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप अन अकेडमी पे नए आए हैं तो यूजीसी टेन कोड की मदद से अपनी जो प्लान है उसको आप अनलॉक करवा सकते हैं ओके इसी के साथ साथ गाइस आप लोगों को मैं बता दूं मेरी जो प्रोफाइल है अन अकेडमी पर कृतिका पारिक के नाम से आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी जहां से आप सीधा मुझे फॉलो कर सकते हैं के आर आई टी आई के ए पी ए आर डब्ल्यू के एन टी यूजीसी नेट कैटेगरी में कुछ ऐसी मेरी प्रोफाइल आपको दिखेगी तो सीधा आपको वहां से मुझे फॉलो कर लेना है और हाँ दोस्तों याद रखना फर्स्ट ऑफ मार्च से जी हाँ एक मार्च से एग्रीकल्चर ज्योग्राफी लेके आ रही हूँ अन अकेडमी प्लस पे टाइमिंग बारह बजे रहने वाली है तो जो भी अकेडमी प्लस में मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा रेफरल कोड है दोस्तों यू ये रेफरल कोड आप लगाएंगे अपने सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको टेन परसेंट का इंस्टेंट ऑफ आपको वहां से मिल जाएगा तो जैसे ही आप यूजीसी टेन कोड लगाओगे टेन परसेंट का ऑफ मिल जाएगा लेकिन मेरे आपसे रिक्वेस्ट है गाइस ट्वेंटी एट फैफ तक आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लो क्योंकि उसके बाद में ये दस परसेंट घट करके पांच ही आपको डिस्काउंट मिलेगा तो जो भी लेना चाहते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करवा दी है दो क्लासेस हमारी बच्ची है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी मैं करवाने वाली हूं उसके बाद में दोस्तों मैं ह्यूमन ज्योग्राफी के चार नए चैप्टर पांच नए चैप्टर और कवर करूंगी तो मेरा टारगेट है आपका अप्रैल तक मैं सारा कोर्स करवा दूंगी क्योंकि फिजिकल मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है इंडियन ज्योग्राफी मैं करवा चुकी हूं आवाज क्लियर आ रही है दोस्तों आवाज मैं पूछूं आवाज क्लियर आ रही है आपको एक बार मुझे थम्स अप कर दो अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो चलिए सॉरी बीच में थोड़ा सा आ, शायद कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया था नाउ एवरीथिंग इज क्लियर चलिए अब बाकी की बातें छोड़िए सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून मेरे बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है मेरी जो अपकमिंग क्लासेस आने वाली है उनके बारे में मैंने बता दिया है बस आप लोगों को ये है गाइस अगर आप चाहते हो अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना तो अट्ठाईस तारीख से पहले ले लेना क्योंकि पहले काफी लोग इस चीज को नहीं मान रहे थे कि अन अकेडमी की फीस इंक्रीज हो सकती है और जब फीस इंक्रीज हो गई तब वो बोलते हैं कि मैम अब तो फीस बढ़ गई हम तो पहले ही ले लेते तो हम आपको काफी टाइम से बता रहे थे कि फीस बढ़ने वाली है बढ़ने वाली है लेकिन आपने नहीं लिया और अल्टीमेटली फिर बढ़ी हुई फीस के साथ में सब्सक्रिप्शन लिया ऐसे ही मैं बोल रही हूं कि एक मार्च से आपका जो डिस्काउंट अमाउंट है ना दस का ये घटके पांच परसेंट होने वाला है तो आखिर अट्ठाइस को लोगे या एक तारीख को लोगे पांच परसेंट का आपको नुकसान हो जाएगा तो मेरी मानो तो एक तारीख से तो मेरा कोर्स आ ही रहा है तो उसके पहले ही अपना सब्सक्रिप्शन ले लो और कोड याद रख लेना दोस्तों यू जी सी टेन मेरा रेफरल कोड है इस कोड को लगाने का मतलब यह है कि आप डायरेक्टली मेरे साथ में जुड़ते हैं मेरी क्लासेस के बेनिफिट मैं खुद बता रही हूँ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लासेस होती है मैं हर स्टूडेंट का डाउट क्लियर करती हूँ मतलब आप कि मन में क्या डाउट है एवरी थर्ड डे डाउट सेशन तो रखती ही हूँ आप कोई सवाल को अगर दस बार पूछते हैं तो मैं दस बार एक्सप्लेन करती और बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ाती अच्छे से नोट्स देती हूँ रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लेती मतलब मान के चलेगा कि जो भी आप लोग पढ़ते हैं मेरे साथ में अगर इस कोड के साथ में अगर आप आए हैं इसका मतलब ये है कि कुछ तो खास बात है तो जल्दी से अपना सब्सक्रिप्शन कम्प्लीट कराओ यूजीसी टेन मेरा रेफरल कोड है सीधा आप लोगों के साथ में डायरेक्टली आप मेरे साथ में जुड़ेंगे इंग्लिश हिंदी की कोई फिक्र नहीं है आराम से पढ़ाई करेंगे हम लोग मिलके तो देखिए अब हम लोग गाइस स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास को क्लास को स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि कल तक की क्लास में हमने क्या पढ़ा था तो कल तक की क्लास में जो कुछ भी हमने पढ़ा था दोस्तों उसका जो समरी है वो ये है कि अभी हम हमारी क्लास में पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंटल आपके ओशैन रिलीफ महासागर के उच्चावच तो मैंने आपको बताया था कि जो महासागर होता है हमारी टोटल अर्थ पे 71 परसेंट जो हिस्सा है वो हाइड्रोस्फीयर के अंडर काउंट होता है मतलब जलमंडल में माना जाता है उस जलमंडल में चार हिस्से हो जाते हैं महासागर सागर, सागर अंतरदेश साग, अंतर द्वीपीय सागर और एक आती है आपकी खाड़ी तो जो महासागर होते हैं दोस्तों जनरली हम देखें तो यहाँ पे तीन बड़े महासागर हैं फर्स्ट इज पैसिफिक प्रशांत महासागर सेकंड इज अटलांटिक अंध महासागर एंड थर्ड इज इंडियन ओशियन हिंद महासागर इन तीनों के अंदर जैसे हमारे जियोमार्फोलॉजी में हम जैसे हमारे रिलीफ पढ़ते हैं कि हमारे स्थल की ऊंचाइया कितनी है गहराइया कितनी है वैसे ही हम ओशियन में भी पढ़ते हैं कि हमारा जो ओशियानिक सरफेस है मतलब की जो सीमा है उस पर कैसे कैसे उच्चावच बने हुए हैं क्योंकि हमारे अर्थ का जो क्रस्ट हिस्सा होता है इसको हम सियाल और सीमा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सियाल कहलाती है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और सीमा कहलाती है ओशियानिक क्रस्ट ओशियनिक क्रस्ट का मतलब यह है कि सागर के नीचे जो तल है उसके बारे में हम स्टडी करें तो पढ़ते पढ़ते हमने ये जाना जो एवरेज डेप्थ होती है आपके सागरों की दोस्तों वो मानी जाती है तीन हजार आठ सौ मीटर और जो एवरेज ऊंचाई होती है वो मानी जाती है 845 मीटर आपके स्थल भाग की ऊंचाई को और सागरीय भाग की गहराई को यानी कि हाइट ऑफ द मतलब जो हमारे, आ, जो हमारे सरफेस एरिया होता है उसके जियोमार्फोलॉजी के अंदर स्थल खंड की ऊंचाई और ओशियनोग्राफी में गहराई को जो प्रेजेंट किया जाता है वो हिप्सोमेट्रिक कर्व के जरिए किया जाता है अतः हिप्सोमेट्रिक कर्व इसको बोला जाता है ये सवाल आपके एग्जाम में भी पूछा गया था ठीक है इसी के साथ साथ थोड़ा सा फिर हम आगे चले तो हमने ये जाना कि हमारे जो कॉन्टिनेंट होते हैं उनको हम मेन ली डिवाइड करते हैं चार पार्ट्स में एक कहलाते हैं ओशियन को ओशियनिक शेल्फ सॉरी कॉन्टिनेंटल शेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप डीप सी प्लेन एन रिट्स एंड ट्रेचेस इन सभी चार पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करने का काम किया था अब देखिए एक मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है अब सबका शायद नमस्कार प्रणाम सत्याकाल अगर हो गया हो तो एक बार आप लोग क्लास में आ जाइए क्योंकि अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं मैंने आपको बताया था कि कल की जो क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा मतलब फैक्चुअल चीज़ें देने की कोशिश की थी आज की क्लास में भी मैं दूंगी तो कॉपी पेन ले लीजिए कमेंट जब मैं पूछूँ तो कीजिए समझ में आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कीजिए आप लोगों का जो आपसी विचार है व्यवहार है आई मैं उसकी बहुत कदर करती हूँ पर अभी इस वक्त हमें मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हूँ जब आप लोग इधर उधर के कमेंट करते हैं नो डाउट बहुत अच्छे कमेंट करते हैं एक दूसरे से बहुत अच्छा व्यवहार है आपका पर क्लास के अंदर थोड़ा सा आप लोग मुझे डिसिप्लिन देंगे तो मुझे सार, मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा ठीक है ना तो चलिए फिर क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब होते हैं अब देखो यहां पे बात आ रही है दोस्तों कॉन्टिनेंट फोर रिलीफ जोन हमारे सामने होते हैं फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसको महाद्वीपीय मग्न तट बोला जाता है सेकंड होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप जिसको महाद्वीपीय मग्न तट बोला जाता है मग्न द्वीप मग्न तट ठीक है मग्न ढाल और आ, ये कहलाता है मग्न तट ये कहलाता है मग्न ढाल डीप एंड प्लेन कहलाते हैं हमारे गहन सागरीय मैदान और हमारे रिड्स एंड ट्रेचेस कहलाते हैं आपके महासागरीय गर्त। पढ़ते पढ़ते कल तक की क्लास में हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ को जान लिया था कॉन्टिनेंटल शेल्फ को जानने के लिए हमने ये देखा जो हमारे लैंड से टच करके जो एरिया होता है ओशियन का वही कॉन्टिनेंटल स्लोप शेल्फ कहलाता है इसकी अगर स्लोपिंग की बात करें तो ये वन डिग्री टू थ्री डिग्री के बीच में होता है इसकी एवरेज डेप्थ होती है दोस्तों फैदम मीटर इक्वल टू सिक्स फीट और ये माना जाता है कि जो हमारा टोटल ओशियन का एरिया होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की अगर बात करें दोस्तों तो हमारे यहां पे टोटल ओशन के एरिया में से लगभग लगभग आठ परसेंट आठ पॉइंट छह परसेंट के एरिया पे आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो मात्रा होती है दोस्तों उसको आप डिवाइड करेंगे अलग अलग ओशन में जैसे कि नंबर वन पे हम बात करते हैं दोस्तों अटलांटिक ओशियन की देन आता है पैसिफिक ओशियन इसके बाद में आता है इंडियन ओशियन अब देखो जो अटलांटिक ओशन होता है दोस्तों अटलांटिक सबसे ज्यादा पाए जाते हैं लगभग थर्टीन पॉइंट पैसेफिक सेवन पॉइंट फाइव परसेंट नहीं हुँ. और यहां में पाए जाते हैं लगभग लगभग सेवन परसेंट क्या रहा हूं? क्लियर है सभी को यहां तक का एक ये देखिए ये है इसका कुछ पर्टिकुलर हमारा आ, एरिया अरविंद जी पूछ रहे हैं है, मैम फैदम फैदम क्या है देखिए एक हम यही बोल सकते हैं जैसे फीट होता है मीटर होता है वैसे ही फैदम होता है सिक्स फीट के मतलब जो फीट होता है हमारा उसके सिक्स फीट के एक फैदम इज इक्वल होता है तो आप जैसे मान के चलिए कि हंड्रेड फैदम हो गया ठीक है तो हंड्रेड फैदम को हम बोल सकते हैं 180 180 मीटर के 100 180 मीटर के के अराउंड अराउंड 100 हम इसको बोल सकते हैं तो फैदम एक इकाई है जिसको आप फीट के अंदर छ से गुणा कर सकते हैं ठीक है तो ये होता है दोस्तों हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया किसका होता है एटीन एट एरिया कवर करता है तीन टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है इंटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिड कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्लियर है सभी को ठीक है इंपॉर्टेंस इसकी सभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी क्या होती है दोस्तों ये मरीन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसी के साथ साथ आइडल फिशिंग ग्राउंड मतलब कि मछली पालन के लिए सबसे सही स्थिति होती है एग्जाम में डायरेक्टली सवाल बन सकता है आपका कि महाद्वीपीय उच्चावचों का कौन सा हिस्सा मत्स्य पालन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है तो आपको आंसर कर देना है फिश आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ महाद्वीपीय मग्न तट इसके बाद में हमने कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में हमने देख लिया था कॉन्टिनेंटल स्लोप कहाँ होता है आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके डीप ओशियन ओशियन बेसिन और उसके एसोसिएट फीचर्स के तो मैंने आपको बताया था दोस्तों आपको भी भी नापना हो इस चीज़ को तो ये देखिए ये जो हिस्सा है ये हिस्सा माना जाएगा दोस्तों आपका कॉन्टिनेंट का ठीक है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल पार्ट ठीक है अब क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है तो ये आपका क्या कहलाएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ Continental शेल्फ देन इसके बाद में आती है दोस्तों आपके कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल स्लोप ये जो फिर देखिए एंड में आपको देखने को मिलेगा डीप सी प्लेन और यहां पे जो चीज है ये हमारे कहलाएंगे दोस्तों ट्रेचेस ठीक है इन सभी को यहां पे याद रखिएगा आपको याद रखना है इसको बिल्कुल अच्छे से हमारे यहाँ पे अब आपसे कोई पूछे कि डीप सी प्लेन कहाँ पाए जाते हैं तो डीप सी प्लेन फाउंड बिटवीन कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड ट्रेचेज मतलब कि ये आपके महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय जो गर्त होते हैं उनके महासागरीय गर्तों के बीच में हमें ये देखने को मिलता है डीप सी प्लेन एक चीज याद रखना जो कॉन्टिनेंटल स्लोप का रेशो होता है दोस्तों वो माना जाता है एट टोटल ओशन एरिया का कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो रेशो होता है वो एट पॉइंट माना जाता है ठीक है ट्रेचेस का जो रेशो होता है वो लगभग सेवन परसेंट माना जाता है अब बचा हुआ जो पार्ट है मतलब कि एरिया कवर करते हैं आपके ओशन में लगभग लगभग मतलब टोटल ओशन एरिया का सेवेंटी फाइव परसेंट आपका एरिया कवर करता है डीप सी प्लेन तो सबसे ज्यादा कवर करने वाला एरिया कौन सा हो गया आपका सागरीय मैदान मतलब कि लंबे लंबे लंब जो मैदान होते हैं इनको लेकर के दो चार फैक्ट याद रख लेना दोस्तों क्योंकि कॉन्टिनेंटल स्लोप का रेशो अटलांटिका थर्टीन पॉइंटीन पॉइंट थ्री के लगभग ठीक है कॉन्टिनेंटल स्लोप का रेशो भी यहां पे ट्वेल्व के लगभग सबसे ज्यादा था तो इसीलिए जो डीप सी प्लेन होते हैं वहां पे इसका रेशो थोड़ा सा कम हो जाता है मतलब ये सेवेंटी फाइव में से जो आपका पैसेफिक ओशियन है दोस्तों पैसेफिक ओशियन में लगभग लगभग सबसे ज्यादा मात्रा में ये देखने को मिलता है लगभग एट्टी परसेंट 80.5 इंडियन में 80 अटलांटिक मिलता है तो यहां पर आपके सामने चार पांच पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए कि सबसे पहला सवाल तो ये है मेरा अब मैं आपको कुछ सवाल बता रही हूं इससे रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन जो हो सकते हैं याद कर लेना इससे रिलेटेड फैक्टुअल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं नंबर वन तो ये हो सकता है कि पहली बात तो ये कितने पार्ट होते हैं चार पार्ट होते हैं शेल्फ स्लोप प्लेन एंड ट्रेचेस सबसे बड़ा हिस्सा कौन कवर करता है डीप सी प्लेन कवर करते हैं कितना 75.9% इसके अंदर डीप सी प्लेन में सबसे ज्यादा हिस्सा कौन से महाद्वीप का है तो दोस्तों डीप सी प्लेन में सबसे ज्यादा हिस्सा हमें देखने को मिलता है हमारे यहां पे दोस्तों पैसिफिक ओशियन का 80.33% पॉइंट थ्री थ्री परसेंट सेकेंड नंबर पे इंडियन ओशन का एटी पॉइंट वन वन परसेंट ठीक है सबसे कम किसका देखने को मिलता है अटलांटिक ओशन का लगभग लगभग फिफ्टी फोर पॉइंट नाइन परसेंट के अराउंड हमें अटलांटिक ओशन का हिस्सा देखने को इसमें मिलता है इसके बाद में अटलां आपके जो महाद्वीपीय गर्त महाद्वीपीय जो शेल्फ है कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसमें सर्वाधिक हिस्सा एटलांटिक्वेश्चन का कॉन्टिनेंटल स्लोप में एटलांटिक क्वेश्चन का फिर हम बात करें दोस्तों ट्रेचेस की तो सबसे ज्यादा ट्रेचेस हमें कौन से ओशन में देखने को मिलेंगे तो वो सबसे ज्यादा ट्रेचेस देखने को मिलेंगे में पैसेफिकाइव के लगभग वहां ट्रेचेस देखने को मिलता है देन अटलांटिक अटलांटिक्शन में नाइनटीन के लगभग ट्रेचेस देखने को मिलता है और फिर आता है दोस्तों आपका इंडियन ओशन जहां पर लगभग लगभग छह छह ट्रेचेस हमें देखने को मिलते हैं क्लियर हां जी वेरी गुड समझ में आ गया सभी को ये फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है इसीलिए मैं बता रही हूं इनको इग्नोर मत करना जी हाँ वेरी गुड तो डीप सी प्लेन क्या होते हैं डीप सी प्लेन दोस्तों हमारे यहां पे पाए जाने वाले एक एज ए मैदान होते हैं मतलब कि सागर के लंबे लंबे मैदान मैदान हम बोल सकते हैं उनको डीप सी प्लेन होते हैं बड़े बड़े मैदान कितना एरिया कवर करते हैं सेवन पॉइंट नाइन परसेंट का एरिया ये मैदान कवर करते हैं का एरिया कवर करते हैं अब देखिए अब आखिर इनकी पहचान क्या है इनकी विशेषताएं क्या है उनके बारे में हम थोड़ा सा जान ले दोस्तों तो देखिए डीप सी प्लेन पाए जाते हैं आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल सॉरी कॉन्टिनेंटल स्लोप और ओशियानिक ट्रैचेस के बीच में मतलब कि महाद्वीपीय ढाई ढाल और महासागरीय गर्तों के बीच में ये पाए जाते हैं देखिए अब बात आती है गाइज इनकी डेप्थ की कि इनकी डेप्थ कितनी होती है फिर से कंपेरेटिव स्टडी हमें करनी है याद कीजिए दोस्तों कॉन्टिनेंटल स्लोप जो था शेल्फ जो था कॉन्टिनेंटल शेल्फ उसकी डेप्थ कितनी आ रही थी आपके लगभग लगभग हंड्रेड फैदम की हंड्रेड मीटर हम बोल सकते थे कॉन्टिनेंटल स्लोप की गहराई कितनी आ रही थी दोस्तों 200 से 2000. इसके साथ साथ अब बात आती है हमारे मैदानों की तो इनकी डेप्थ तो थोड़ी सी बढ़ जाती है 300 से 3000 मीटर की गहराई तक हमें ये देखने को मिलते हैं तो आप देखिए जैसे जैसे हम ओशन में आगे जाते जाते हैं वैसे वैसे गहराई बढ़ती जाती है स्लोप शेल्फ की गहराई हंड्रेड थी स्लोप की गहराई 2000 तक भी थी अब ये जो आपके मैदान आए हैं इनकी गहराई 3000 तक हो चुकी है अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे ट्रेचेस में तो ट्रेचेस की तो मान के चलिए लगभग लगभग छह से सॉरी छह से लेकर के ग्यारह हजार तक देखने को मिलती है छह हजार से बारह हजार तक जिसमें आपके दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैच मेरियाना ट्रैच भी शामिल है पैसिफिक के अंदर पाए जाते हैं आपके 32 टू ट्रैचेस एटलांटिक में पाए जाते हैं 19 ट्रैचेस और इंडियन ओशन में पाए जाते हैं 16 ट्रैचेस मैम एक बार प्लेन फिर प्लेन की प्लेन की फिर से बता दे कहा क्या होता है देखिए कहां का ऐसा कुछ भी नहीं है डीप सी प्लेन सबसे बड़ा एरिया कवर करता है मतलब महासागर का जो टोटल हंड्रेड है ना तो हंड्रेड में से सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन परसेंट एरिया हमारे मैदान कवर करते हैं उस पे सबसे ज्यादा एरिया कवर किया जाता है हमारे अपने टोटल का और जो अटलांटिक वो फिफ्टी टू पॉइंट नाइन परसेंट का एरिया कवर करता है क्यों अटलांटिक कम करता है क्योंकि उसके पास में कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब की महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल का रेशो ज्यादा रहता है तेरह और बारह का करके तेरह और बारह लगभग लगभग वो अपना पच्चीस परसेंट ऑलरेडी वहां पे दे चुका होता है इस वजह से एक बार गाइस क्लास को शेयर कीजिए जल्दी से यहां तक का क्लियर है सभी को अब तक का समझ में आ गया हो तो एक बार हम सब कर दो क्लियर आगे बढ़े देखो अब क्योंकि हमने इसका कंपेयर कर लिया है कौन कहां कहां मिलता है इसकी गहराई भी आप देखेंगे कि जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं वैसे वैसे ये बढ़ती जाती है कौन सा एरिया कहां देखने को मिलता है सबके बारे में हमने यहां पे पता कर लिया है कोई कहां मिल रहा है कोई कहां मिल रहा है तो इसकी एक बार हम डिटेल देख लेते हैं दोस्तों की डिटेल क्या होती है इट कैरेक्टरसाइड बाय द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट रिलीफ फीचर ऑफ रिलेवेंट हील डिप्रेशन एंड प्लेन तो इसमें देखिए यहां पर आपको ये चार चीजें देखने को मिलेगी अब्यसल प्लेन सब मरीन एंड अब्यसल हील गॉट्स एंड सीट बेल्ट माउंट्स तो ये सभी चीजें आपको डीप सी प्लेन में देखने को मिलेगी ये चार इंपॉर्टेंट चीजें इससे रिलेटेड फीचर याद रख लेना सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन परसेंट का टोटल एरिया कवर करता है डेप्थ इसकी थ्री हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड मीटर की इसकी डेप्थ होती है ठीक है इसका सबसे बड़ा एरिया पैसेफिक ओशन कवर करता है लगभग लगभग एटी पॉइंट थ्री परसेंट पैसेफिक ओशन कवर करता है उसके बाद में आता है इंडियन ओशन वो आपके लगभग लगभग 80.1 परसेंट का एरिया कवर करता है और फिर आता है आपका एटलांटिक ओशियन वो लगभग लगभग इसका 54 परसेंट का ही एरिया कवर कर पाता है 54.9 परसेंट का एरिया एटलांटिक ओशियन कवर करता है ये इसकी बातें ध्यान रखना ये पाया जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप और ट्रेचेस के बीच में इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है नंबर वन पे बात आती है दोस्तों अब्यसल प्लेन्स की अब्यसल प्लेन्स क्या होते हैं फाउंड एट द डेप्थ बिटवीन थ्री हंड थ्री थाउजेंड टू थ्री हंड्रेड मीटर मतलब कि डीप सी प्लेन में जिनकी शुरुआत 300 मीटर से हो जाती है उनके बीच 3000 पे सॉरी हो जाती है यहाँ पे इसको करेक्ट करिएगा दोस्तों ये 3000 मीटर है आई एम सो सॉरी ये 3000 मीटर है 3000 से 6000 के बीच में तो 3000 से 6000 मीटर के बीच में ये पाया जाता है इनका जो एवरेज स्लोप होता है दोस्तों वो बहुत कम होता है मतलब की जीरो फाइव होता है मतलब की आधा डिग्री एक डिग्री भी नहीं है आधा डिग्री जीरो इनका स्लोप होता है बिटवीन द फूट ऑफ कॉन्टिनेंटल राइस एंड द मिड ओशियानिक रिट्स मतलब कि आपके महासागरीय राइज कॉन्टिनेंटल राइज और जो मध्य महासागरीय कटक होता है उसके बीच में ये पाया जाता है इट कवर 75 फाइव परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द ओशियन ठीक है एट्टी एट पॉइंट थ्री परसेंट पैसिफिक ओशियन एट पॉइंट वन परसेंट इंडियन ओशियन एंड 54.9 फोर पॉइंट परसेंट अटल्टिक क्वेश्चन ये जो ये वही बात है जो मैंने आपको अभी जस्ट बताई है देख लीजिए इसको एक बार कवर कर लीजिएगा अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आपके डेफिनेटली आएगा इसीलिए मैं इतना जोर दे दे कि एक ही एक, एक बात को रिपीट कर रही हूँ अब मैंने आपको बार बार में बोला है क्लास में इधर उधर के कमेंट मत किया कीजिए अंशुमन जी आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं क्लास को कौन क्या है आपको उससे क्या लेना देना आप अपना क्लास में पढ़िए ना अब देखिए द सॉलिडिफिकेशन बेसाल्ट क्रस्ट वॉल्केनिक डिपोजिट यहाँ पे आपके क्या पाए जाते हैं दोस्तों वॉलकेनिक डिपोजिट्स देखने को मिलते हैं मतलब कि आपके जो ज्वालामुखी विस्फोट से जो अवसाद जमा करे गए हैं उनसे यहाँ पे ये यह हमें ज्यादातर देखने को मिलता है फिर पैलागिक डिपॉजिट्स ऑफ प्लेन मरीन एनिमल्स एंड सिलीशियस द फाइन ग्रेडियंट सेडिमेंट्स मेनली क्ले एंड सिल्ट

अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अपॉन ए ओशियनिक कार्बन साइकिलिंग डिजोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड एटमोसफियर सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम स्केल ऑफ हंड्रेड टू थाउजेंड ईयर हम लोग अक्सर यहां पे बोलते हैं कि हमारा जो कार्बन सिंक है कार्बन सिंक का मतलब समझते हैं एनवायरमेंट में भी आपके सवाल पूछा जाता है कार्बन सिंक क्या होता है मतलब जहां पे सबसे ज्यादा कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन हो फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं जो सॉइल होती है या जो लैंड होता है वो सबसे बड़ा कार्बन सिंक होता है लैंड हो गया उसके बाद में आता है आपके वाटर देन आते हैं आपके फॉरेस्ट ठीक है तो सेकेंड नंबर पर जो सबसे ज्यादा सीओ टू का कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है ओशन में ओशन के कौन से हिस्से में हमारे यही अबेसल प्लेन में क्लियर अब देखिए सबमरीन अबेसल हिल्स क्या होती है तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारे टर्म्स हमें सुनने को मिलते हैं तो ये देखिए दोस्तों अबेसल प्लेन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये है आपका हाँ ये देखिए ये जगह यहाँ पे ये जो है ये आपका पूरी तरह से अबेसल प्लेन है अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जरूरी नहीं है कि वो पूरा प्लेन है तो वहां पर कुछ भी स्लोप नहीं होगा या इधर उधर उठे हुई स्थलाकृतियां नहीं होगी मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डीप सी प्लेन में अगर लैंडफॉर्म कुछ ऐसी चलती हुई आ रही है ऐसी है तो जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से प्लेन हो यहाँ पे छोटे छोटे बड़ी बड़ी ये भी हो सकती है ठीक है ना तो उसी के अंदर से आपके अलग अलग हिल्स बन जाती है जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरह से अब्यसल प्लेन था लेकिन इस प्लेन का कुछ हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है उसी को हम क्या बोलेंगे

वो क्या से बनते हैं 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 तो देखिए बन बन का रहे हैं। बन रहे हैं। दोस्तों आपके डीप सी प्लेन में डीप सी प्लेन में क्या होता है कई बार कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है क्यों क्योंकि हमारे डीप सी प्लेन वॉल्केनिक रूपशन से बनते हैं जहां पे ज्वालामुखी अवसादों का ज्यादा जमाव होगा वो ऊंचा उठा हुआ दिखेगा तो ये देखिए ये कैसी होती है आपके वॉल्केनिक हिल्स होती है आईलैंड बनते हैं इनसे सी माउंट्स बनते हैं टेबल माउंट्स बनते हैं और गयाट्स भी इससे बनते हैं वेन दीज हिल अपेयर अबाउट सी वाटर सरफेस दे आर कॉल्ड वॉल्केनिक आईलैंड और सिंपली आईलैंड हिल्स आर हंड्रेड मीटर हाइट फ्रॉम द ओशियन अब देखिए रोमा कुमारी जी क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं आप क्लास को देखिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि कृतिका मैम थोड़ा सा क्लास में गुस्सा करती है मैं कभी गुस्सा नहीं करती हूँ पर मुझे कई बार आप लोगों की एक्टिविटी अच्छी नहीं लगती है लाइक like, मैं भी आपको इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रही हूँ ये करने आते हैं क्या क्लास में मैं इसकी वो हूँ मैं उसकी वो हूँ मैं कमेंट ऑफ़ करवा दूंगी लाइव चैट ऑफ़ करवा दूंगी फिर आपको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा मुझे भी कोई कोई फर्क नहीं पड़ता आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना और मेरा काम है उन सीरियस स्टूडेंट्स को पढ़ाना जो वेट करते हैं क्लास का कि कब दो बजेंगे और कब हमारी जियोग्राफी की क्लास होगी तो मैं उन सीरियस स्टूडेंट्स के लिए आती हूँ जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए कृतिका पारिक अवेलेबल नहीं है ना थी ना है कभी रहेगी तो अगर आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है डजेंट मैटर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं आप मुझे अच्छे से जानते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इतना चीज ध्यान में रखना क्लास में कभी भी मुझे बिलो द बेल्ट कमेंट ना पसंद आए हैं ना कभी पसंद आएंगे आपका अगर कुछ सवाल है इवन आप लोगों के इतने कमेंट्स आते हैं कि जो नॉर्मल सवाल जो स्टूडेंट पूछते हैं जो उनके डाउट्स होते हैं वो मैं मिस कर देती हूँ कई बार कमेंट आप लोगों की सुविधा के लिए है कि जो भी आपके सवाल हो वो आप मुझसे पूछें और मेरे लिए हमेशा उन कमेंट्स का वेलकम है तो आपको अगर कोई डाउट हो डेफिनेटली पूछो एक बार नहीं दस बार पूछो दस बार बताऊंगी पर फालतू के कमेंट नहीं करोगे क्लास में अदरवाइज मुझे दूसरा एक्शन लेना पड़ेगा देखिए अब यहां पर आप समझ गए कि आपके अभ्यसल हिल क्या होती है तो एक चीज को समझिए दोस्तों जनरली ये बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे दो तीन तरह की क्रस्ट होती है देखिए तीन तरह का हमारे कोलाइजन होता है एक होता है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कोलाइजन एक होता है ओशन ओशन का कोलाइजन और एक होता है कॉन्टिनेंट का और ओशन का कोलाइजन तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डीप सी प्लेन की डीप सी प्लेन कैसे बने जनरली ये माना जाता है कि जब दो प्लेटों में मान के चलिए कि ये एक प्लेट है इस प्लेट के नीचे से ज्यादातर मात्रा में कॉन्वेंशन करंट चल रही थी इन प्लेटों में टेंशनल फोर्स डेवलप हो गया डेवलप होने की वजह से ये दो प्लेटें अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगी ये जो दो प्लेटें थी ये अलग अलग डायरेक्शन में अपना मूवमेंट स्टार्ट इन्होंने कर दिया इनके मूवमेंट के शुरू करने के बाद में जो नेक्स्ट सिचुएशन बनती है दोस्तों वो कुछ ऐसी बनती है मतलब कि ये कि यहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे से अलग हो जाती हैं जहां यहाँ पे ये ए थी ये बी थी अब ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो गई हैं अब क्योंकि ये दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग हो गई है तो उनके नीचे के भाग में जो यहां पे एक जगह थी जिसको बोला जाता है दोस्तों मैग्मा चैम्बर। तो होता क्या है मैग्मा चैम्बर से मैग्मा क्या होता है बाहर आने की कोशिश करता है अब बाहर आ जाता है क्रस्ट के हिस्से पर आ गया यहां तक आ गया यहां पे क्या जमा हुआ है पानी है ठीक है अब बाहर आकर कि क्या हो जाएगा दोस्तों इधर इधर फैल जाएगा और फैल करके पूरी तरह से जम जाएगा जमने की वजह से जहां पे जो फ्लोर बनेगा उसी फ्लोर को हम क्या नाम दे देंगे हमारे डीप सी प्लेन का नाम दे देंगे क्या नाम दे दिया जाएगा इसको डीप सी प्लेन का नाम इसको दे दिया जाएगा कोलाइजन का मतलब होता है टकराव करना मतलब कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है टकराने का मतलब होता है कोलाइजन करना ओके देखिए तो यहां तक कि में क्या हो गया नीचे से मैग्मा आया अब मैग्मा आपको पता है मैग्मा अगर बाहर आएगा तो ठंडा होगा ठंडे होने से क्या बनेगी इग्नियस रॉक बनेगी तो यहां पे अलग अलग हमारे मैदान बन गए मैदान बन गए जो बन गए अब मान के चलिए कि, कि किसी जगह पे कुछ इस तरह के आपके मैदान बन गए ठीक है अब कई बार क्या होता है ये थोड़े से ऊंचे बन जाते हैं है ना ऊंचे बन जाते हैं और इतने ऊंचे चले जाते हैं कई बार कि जो सी लेवल होता है सी लेवल जो होता है उसको भी थोड़ा सा क्रॉस करने लगते हैं तो ये नो no डाउट हमारा डीप सी प्लेन है ठीक है ये नो डाउट डीप सी प्लेन है यहां पे ये क्या बन गया एक हमारा हिल बन गया अब ये हिल कहां आ रहा है ये है हमारा सी लेवल ठीक है अब ये हमें तो हमारी आंखों से मान के चलिए कि हम यहां पे खड़े हैं हमें तो हमारी आंखों से सिर्फ इतना इतना सा दिख रहा है तो हम इसको क्या नाम दे देंगे ये एक आपका आइलैंड बन जाएगा इसी शेप में आपके गयोर्ट्स बन जाएंगे इसी शेप में आपके हिल बन जाएगी समझ में आया आपको कि ये किस तरीके प्रोसेस से बना है हमारे डीप सी प्लेन का ऊंचा उठा हुआ ऐसा हिस्सा जो समुद्र की सतह को भी क्रॉस करके बाहर आ जाता है तो वो हमें कई बार आइलैंड्स के जैसा लगता है द्वीप समूह के जैसा लगता है जैसे कि देखते होंगे कि मालद्वीप एक तरह का द्वीप है इंडोनेशिया के आसपास आपको बहुत सारे द्वीप देखने को मिलेंगे तो वो सब क्या है वो सब इसी के एग्जाम्पल है और वो कहाँ पाए जाते हैं प्लेन डीप सी प्लेन के ऊपरी हिस्से पे देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे देखिए वैरायटी ऑफ हिल ऑफ ओरिजिन प्रोजेक्ट अबाउट द डीप सी प्लेन वोलकेनिक बोल सकते हैं आइलैंड बोल सकते हैं गयॉट्स भी इनको बोला जा सकता है अब देखिए व्हेन दिस हिल अपीयर अबाउट सी वाटर मतलब जब ये हमारे सागर तल के ऊपर तक जब ये दिखती है सरफेस ही लेवल दे आर कॉल्ड वोल्केनिक आइलैंड और सिंपली आइलैंड हमारे क्या बोलते हैं आइलैंड हम क्या बोलते हैं ऐसी जगह जिसके चारों तरफ पानी हो तो वो जो जगह है ऐसा तो नहीं है कि वो पानी पे तैर रही है उसके नीचे का कुछ बेस होगा बेस कहां से आ रहा है डीप सी प्लेन से आ रहा है क्योंकि वो उसका इतना ऊंचा उठ गया है वो हिस्सा जो समुद्र लेवल के भी ऊपर तक दिखने लगा है इनकी हाइट कितनी होती है लगभग लगभग वन मीटर इनकी हाइट हो सकती है ओशियन से ऊंचाई मतलब कि महाद्वीप महासागरों से इनकी एक हजार मीटर तक की इनकी ऊंचाई हो सकती है क्लियर हुआ अब देखिए फ्लोर गए क्या होती है समुद्र के अंदर जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा बाहर आता है मैग्मा बाहर आता है लावे में जम गया जमने के कारण वो इतना ज्यादा उसका जमाव हो जाता है कि वो समुद्र की सतह से भी ऊपर उठने लगता है तो जो समुद्र की सतह से ऊपर जब वो उठेगा तो आराम से विजुअल होगा उसको हम क्या बोलेंगे ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनिक हिल के नाम से हम उसको जानेंगे अब देखिए इसमें क्या लिखा है वॉल्केनिक हिल ऑफ लोअर हाइट आर कॉल्ड अबेसल हिल एंड सी नॉल्स मतलब कि जो कम हाइट की होती है उनको अबेसल हिल बोला जाता है द हिल ऑलवेज बिलो सी लेवल आर कॉल्ड सी माउंट्स

आपके डीप सी प्लेन बने हुए हैं ठीक है थीके? अब डीप सी प्लेन में कुछ एरिया ऊंचा उठा हुआ है कुछ एरिया बहुत ऊंचा उठा हुआ है ये देखो ये हमारे क्या हो जाएंगे डीप सी प्लेन ठीक है ये हमारा क्या है सी लेवल ठीक है क्लियर यहां तक का कैसे चला जाएगा समुद्र के नीचे अब ये देखो अच्छे से समझो ये डीप सी प्लेन है अब आप देखो यहां पे क्योंकि यहां पर इरप्शन की वजह से ये आया है तो इसका कुछ हिस्सा आप देखेंगे कि ऊपर जाता जाता जो सी लेवल है इसके भी ऊपर तक चला गया है ये हिस्सा ठीक है तो ये हमारा क्या कहलाएगा वॉल्केनिक हिल के नाम से जाना जाएगा अब कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो सी लेवल के नीचे रह जाता है जैसे कि ये हिस्सा ये हिस्सा है ये किस्सा कैसे रह गया सी लेवल के नीचे रह गया तो यहां पे क्या बोलता है द हिल ऑलवेज बिलो सी लेवल आर कॉल्ड सी माउंट तो ये हमारा सी माउंट कहलाएगा ओके सी माउंट बोल देते हैं व्हाइट फ्लैट टॉप्ड वॉल्केनिक हिल आर कॉल्ड टेबल माउंट और गयट्स ठीक है अब देखिए द सबमरीन मरीन वॉल्केनिक माउंटेन विद एवरेज हाइट ऑफ 1000 थाउजेंड मीटर फ्रॉम द ओशन फ्लोर बट दे आर ऑलवेज बिलो ओशन वाटर देखिए जो वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं दोस्तों डीप सी प्लेन की एवरेज हाइट मैंने आपको डेप्थ मैंने कितनी बताई थी आपको 3000 से 6000 मीटर इतनी बताई थी यहां पे बोल रहे हैं द सबमरीन वॉल्केनिक माउंटेन विद एवरेज हाइट ऑफ थाउजेंड मीटर मतलब मान के चलिए कि, कि किसी जगह की ये हमारे डीप सी प्लेन है ठीक है ये डीप सी प्लेन आपके बहुत ज्यादा गहराई पे है लगभग तीन हजार से लेकर के इनकी गहराई छ हजार मीटर तक है तो छ हजार मीटर की गहराई पे मान के चलिए कि कोई आपका वॉल्केनिक हिल बनी हुई है या मान के चलिए कि तीन हजार मीटर की गहराई पे वॉल्केनिक हिल बनी हुई है ठीक है तो ये बोला जाता है यहाँ पे कि जो वॉल्केनिक हिल होती है वो ज्यादा से ज्यादा एक हजार मीटर ऊंची हो सकती है अगर छ हजार है तो वो पांच हजार मीटर ऊंची हो जाएगी अगर तीन हजार मीटर पे बनी हुई है तो वो दो हजार मीटर ऊंची हो जाएगी इसलिए ये बोला जाता है कि क्योंकि हमारे गहन सागरीय मैदानों की जो गहराई होती है तीन हजार से छह हजार मीटर एवरेज होती है तीन हजार से कम गहरी नहीं होती है वहीं पर आपके वॉल्के हिल बनते हैं अब इस जगह पे उनकी एवरेज हाइट हजार मीटर से ज्यादा नहीं होती है इसलिए वो कभी भी जो सी लेवल होता है यहाँ पे सी लेवल को क्रॉस नहीं कर पाते हैं ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे सी लेवल को क्रॉस ये पेन है ये रिमोट है इस रिमोट की हाइट इस पेन की हाइट से आधी ही है हमेशा आधी ही रहेगी तो क्या कभी ये इसको इसके बराबर कभी आ पाएगा क्या दोनों की हाइट में डिफरेंस है दोनों को अगर हाँ बराबर भी रखेंगे तो भी ये रिमोट इसके कभी भी बराबर नहीं आ पाएगा तो सेम इसी तरह जो वॉल्केनिक हिल होती है वो हाइएस्ट थाउजेंड मीटर की हो सकती है ओशियन की रिलीफ से तो वो तीन हजार हजार ऊपर कैसे जाएगी क्लियर हो गया यहां तक का अब देखिए द सबमरीन मरीन वॉल्केनिक माउंटेन विद एवरेज हाइट ऑफ थाउजेंड मीटर फ्रॉम द ओशन फ्लोर बट दे आर ऑलवेज बिलो ओशन वाटर हमेशा सागर पानी के नीचे रहते हैं आर फाउंडेड इन क्लस्टर ऑन ओशन फ्लोर द रिजल्टेंट मार्फोलॉजिकल फीचर आर कॉल्ड अबियसल हिल प्रोविनेस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा क्लियर है ना सभी को कोई डाउट तो नहीं है दोस्तों गुड नेक्स्ट देखिए इतना मैंने आपको इसमें समझा दिया है अब हमारे एंड में आता है दोस्तों डीप सी प्लेन आपको बिल्कुल क्लियर है एक बार मैं आपको इस मैप के चलते और मैं आपको अच्छे से समझा दू ये देखो अब देखिए यहां पे सबसे पहले आपके क्या आ गया था दोस्तों continental shelf, यहां पे देखिए थोड़ा थोड़ा सा चले, continental shelf से थोड़ा सा आगे आगे चले चले से आ गया ठीक है फिर आ जाता है आपका बेसल प्लेन जिसको सी प्लेन भी बोला जाता है कुछ इस तरह से यहां पे देखिए दोस्तों आपके बेसल प्लेन बना हुआ था कुछ हिस्सा ऊपर उठ चुका था तो क्या, 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 क्या आर्क कहलाया दो होते हैं हिल अलग होती है एर्क अलग होता है इसके बाद में दोस्तों यहां पे देखेंगे वॉल्केनिक आइलैंड्स मतलब कुछ हिस्सा जो ज्यादा सी लेवल के ऊपर चला जाता है वो आइलैंड्स कहलाता है जो सी लेवल के नीचे रहता है उसको हम वॉल्केनिक हिल बोलते हैं जनरल टर्म्स में तो जो हिस्सा ऊपर चला गया जिसको हम सी लेवल से देख पाते हैं वो हमारे वॉल्केनिक आइलैंड्स कहलाते हैं और इसी जगह पे क्या बनती है आपकी कोरल रीफ बनती है अब देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट नंबर पर आते हैं हमारे ट्रेचेस देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे यहां पे आपको देखने को मिलेंगे ट्रेचेस और फिर यहां पर आपको देखने को मिलेगी कॉन्टिनेंटल राइज तो ट्रेचेस क्या होते हैं ट्रेचेस को आप थोड़ा सा समझ ले हम लोग देखिए ओशियन डीप्स एंड दे आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ़ द ओशन फ्लोर तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि हमारे जो ओशन के रिलीफ होते हैं उसका सबसे गहरा हिस्सा ट्रैच होते हैं सबसे ब्रॉड हिस्सा डीप सी प्लेन होते हैं तो यहां पे साफ लिखा है कि ओशन डीप्स एंड ट्रैचेस दे आर ऑल्सो द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर ये हमारे ओशन के सबसे ज्यादा गहरे हिस्सों के अंदर शामिल होते हैं जो ज्यादा गहरे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े कम गहरे होते हैं मतलब होते हैं सबसे ज्यादा गहरे हैं बट इनको भी गहराई के अकॉर्डिंग दो पार्ट में हम इसको क्लासिफाई करते हैं पहला आता है वेरी डीप बट लेस एक्सटेंसिव देखिए एक होते हैं जो बहुत ज्यादा गहरे होते हैं लेकिन विस्तारित कम होते हैं मतलब कि चौड़ाई में कम होते हैं लंबाई में ज्यादा होते हैं वेरी डीप बट लेस एक्सटेंसिव डिप्रेशन आर कॉल्ड डीप्स एंड देन लॉन्ग नैरो लाइनर डिप्रेशन आर कॉल्ड ट्रेचेस तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं दिस डीप्स एंड ट्रेचेस आर कैक्टेसाइड बाय वेरी स्टीप स्लोप मतलब कि अपने जो ढलान होती है उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड यहां पे किया जाता है क्लियर है याद रखना वेरी डीप बट लेक्सट एक्सटेंस एक्सटेंसिव मतलब कि जो विस्तारित नहीं है मतलब गहरे बहुत है पर क्षेत्रफल कम है उनका आप ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा गहरे पर कम क्षेत्रफल वाले और दूसरे क्या होते हैं जो बहुत ज्यादा गहरे लंबे संकरे खाइयों की जैसे होते हैं उनको हम गर्त बोलते हैं ठीक है अब तक टोटल मैंने आपको बताया था कि अब तक टोटल हमारे जो ट्रेचेज हैं दोस्तों हमारे अगर वर्ल्ड लेवल पर मैं बात करूं देखो कुछ इस तरह से वर्ल्ड का मैप है ये थोड़ा सा गड़बड़ बना है नो no डाउट थोड़ा नहीं बहुत गड़बड़ बना है बट देख लो बात ऐसी है यहां पे अगर अपन बात करें गाइस स्ट्रेचेस की तो यहां पे याद रखना दोस्तों यहां पे एक हमारा ओशन आता है जिसको बोला जाता है पैसिफिक ओशन ठीक है यहां पे एक ट्रैचेस आता है जिसको बोला जाता है अटलांटिक यहाँ पे कहता है जिसको बोला जाता है इंडियन ओके पैसिफिक ओशियन अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन इसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें यहां पे ट्रेचेस के दोस्तों तो अब तक जो ट्रेचेस का पता लगाया गया है ऐसा बोला जाता है कि अब तक हमें लगभग लगभग 57 सेवन का पता लगाया जा चुका है 57 सेवन फिफ्टी सेवन ट्रैचेस उसमें बोला जाता है जो दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैचेस देखने को मिलते हैं दोस्तों वो हमारे पाए जाते हैं पैसेफिक ओशियन में लगभग लगभग थर्टी टू ठीक है अटलांटिक ओशियन में बोले जाते हैं नाइनटीन और इंडियन ओशियन में सबसे कम ट्रैचेस देखने को मिलते हैं ओनली सिक्स ट्रैचेस दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रैच है दोस्तों जिसको बोला जाता है मेरियाना ट्रैच वो हमें इस जगह पे देखने को मिलता है मेरियाना ट्रैच के नाम से क्लियर ठीक है देखिए आर्क एंड हिल में क्या डिफरेंस था हिल सी लेवल के नीचे था आर्क सी लेवल के ऊपर था मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हिल नीचे की तरफ आर्क जो था ऊपर एक द्वीप की तरह अब देखिए अब हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अब मैंने आपको बताया था जो ट्रैचेस होते हैं दो तरह के होते हैं कौन कौन से ट्रेचेज से दोस्तों इतना आपने लिख लिया अब लिख लीजिए ट्रैचेस दो तरह के एक कैसे होते हैं दोस्तों जो होते हैं वेरी डीप वेरी डीप बट लेस डेंस मतलब कि अधिक गहरे वेरी डीप बट लेक्स लेक लेस एक्सटेंसिव दूसरे होते हैं दोस्तों जो आप क्या आते हैं वेरी डीप एंड मोर एक्सटेंसिव मतलब कि जिनका क्षेत्रफल थोड़ा सा ज्यादा होता है हम्म hmm. तो देखिए अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे दोस्तों हमारे ट्रेसेस की तो यहाँ पे देखेंगे आउट ऑफ द एक्सप्लोर एंड सर्वेड 47 डीप द पैसिफिक ओशियन अटलांटिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियन अकाउंट फॉर 32 फॉर पैसिफिक ओशियन 19 फॉर द अटलांटिक ओशियन एंड द सिक्स डीप्स फॉर द इंडियन ओशियन मतलब कि 57 में से याद रख लेना 32 सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में देन आते हैं आपके अटलांटिक ओशन में और फिर आते हैं इंडियन ओशन में मेरियाना ट्रेच लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ फिलीपींस इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट इलेवन पॉइंट जीरो टू किलोमीटर डीप ऑफ द ऑल ओशियन डीप ऑन द द एवरेज देशन ट्रेचेज आर थ्री टू फाइव किलोमीटर तो अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रैचेस की एवरेज गहराई कितनी होती है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं ट्रेचेस की एवरेज गहराई हम बोल सकते हैं दोस्तों लगभग लगभग थ्री थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड मीटर इनमें और जो डीप्स होते हैं डिफरेंस ये होता है कि ये ऊंचाई पे जाके एक साथ फिर से नीचे आते हैं इनमें हाईएस्ट हम बोल सकते हैं कि 5000 थाउजेंड टू यहाँ पे इलेवन थाउजेंड तक के भी हमें ट्रेचेस देखने को मिलते हैं तो जैसे जैसे, जैसे गहराई पे चलते जाएंगे वैसे वैसे एक वक्त पे आते आते ये बिल्कुल डाउन होते जाएंगे तो देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे मेजर आपके ट्रेचेस कौन से हैं देखो सबसे नंबर वन पे आता है मैरियाना ट्रैच लगभग लगभग आपके थ्री थाउजेंड इलेवन थाउजेंड जीरो थ्री मीटर लॉन्गर ट्रैच पैसिफिक ओशन में आता है आपके कम चट कम चट का ट्रैच पैसेफिक में आता है फिलीपीन ट्रैच पैसिफिक, करमेडिक ट्रैच पैसिफिक, इजूबोमिन ट्रैच पैसिफिक में जापान ट्रैच पैसेफिक में आता है और फिर आता है आपके पुरातो रिको ट्रैक ट्रैच ये आता है एटलांटिक ओशन में और आप देखेंगे इनकी जो एवरेज डेप्थ है वो 8000 मीटर तो सबसे लास्ट में है तो हमारा ये बोलना एवरेज तो हम बोल सकते हैं कि लगभग लगभग 6000 थाउजेंड टू टेन मीटर लगभग लगभग 6 से 10 किलोमीटर इनकी एवरेज गहराई हमें देखने को मिलती है ओके okay? क्लियर है अब देखिए, अब अक्सर आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों मिड ओशियानिक रिट्स के बारे में मतलब मध्य महासागरीय कटक ठीक है मध्य महासागरी कटक तो ये क्या होती है अंडर वाटर माउंटेन सिस्टम फॉर्मेड बाय द प्लेट टेक्टोनिक मतलब कि पानी के अंदर पाए जाने वाले जो बड़े बड़े द्वीप बड़े बड़े जो महाद्वीप आ, महा आ, पर्वत होते हैं सॉरी बड़े बड़े जो पर्वत होते हैं उसको बोला जाता है आपके मिड ओशियानिक रिट्स द अपलिफ्टेड सी फ्लोर रिजल्ट फ्रॉम कॉन्वेंशन करंट विच राइज इन द मेटल्स एज मैगमा एज द लाइनर वीकनेस इन द ओशन क्रस्ट एंड एमर्ज एज अ लावा क्रिएटिंग न्यू क्रस्ट अपॉन द अपॉन कूलिंग इंपॉर्टेंट है समझना समझिए दोस्तों आपने हेरी हेस्ट है सर का नाम सुना होगा जिन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी नाम याद कर लेना हैरी हेस्र है ने एक थ्योरी दी थी दोस्तों जिसका नाम था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कब दी गई थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हैरी हेस्ट सर ने दी थी कब किस सन के अंदर प्रेजेंट की गई थी ये थ्योरी देखिए अकॉर्डिंग टू द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी गाइस ये बताया गया था कि दो प्लेट्स होती हैं ठीक है oh ये देखिए दो प्लेट्स के बारे में बताई थी इसमें यहां पे दो प्लेट्स होती हैं दोनों ही प्लेट कैसी होती है ओशियानिक प्लेट्स होती हैं ठीक है, दो प्लेट नहीं होती है पहले एक प्लेट होती है इनके नीचे से कॉन्वेंशन करंट गुजरती है टेंशनल फोर्स क्रिएट होता है दोनों ही ओशन की प्लेट्स होती है एक डायरेक्शन एक अलग डायरेक्शन में मूव करती है एक अलग डायरेक्शन में मूव करती है इनके अलग अलग डायरेक्शन में जाने की वजह से जो नई सिचुएशन बनती है उसमें क्या होगा नीचे का मैग्मा बाहर आ जाएगा और जैसे ही दो प्लेटें अगर एक दूसरे से दूर जाएगी मान के चलिए कि मेरा हाथ है ये एक ओशनिक प्लेट है ये दूसरी ओशनिक प्लेट है ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से जब दूर जाएगी तो अगर इसके नीचे कुछ बहुत ज्यादा उबल रहा है यानी कि अगर इसके नीचे कोई चीज आने की बाहर कोशिश कर रही है तो जैसे ही उसको स्पेस मिलेगा वो चीज बाहर आ जाएगी और जैसे ही बाहर आ जाएगी तो वो कहां जमेगी मेरे दोनों हाथों के ऊपर जम जाएगी ऑब्वियसली क्योंकि मैं ज्यादा दूर तो लेके नहीं जाऊंगी हाथों को ऊपर जाके जम गई जमने की वजह से अब क्यों जम जाएगी क्योंकि अंदर से बहुत गर्म चीज बाहर आ रही है बाहर आते ही उसको पानी मिल जाता है जिससे वो सीधी सीधी ठंडी हो जाती है और ठंडे होने की वजह से यहाँ पर एक नया फ्लोर बन जाएगा जिसको बोला जाएगा नई क्रस्ट और कई बार ऐसा होता है कि एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में एक लंबाई के रूप में वो जम जाता है जिसको हम बोलते हैं ओश आपके कॉन्टिनेंटल रिट्स ओशियानिक रिट्स के नाम से हम इसको जानते हैं ठीक है तो यहां पे जो हमसे पूछा गया था वो यही आता है कि किससे बनता है प्लेट टेक्टोनिक से मतलब कि जब प्लेट विवर्तनिकी से जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है दूर जाने की वजह से नीचे का मैग्मा बाहर आता है और बाहर आके जम जाता है लाइक like दिस आप इस इस इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं ये है प्लेट नंबर वन ये है प्लेट नंबर टू नीचे का मैग्मा है जैसे ही दूर गई ये बाहर आ गया बाहर आके यहाँ पे जम गया जमने की वजह से यहाँ पे देखिए आपके अलग अलग ट्रैचेस बनते हैं और दुनिया में जो सबसे बड़ा ट्रैच है वो है दोस्तों मिड अटलांटिक रिट्स मध्य अटलांटिक कटक उसमें क्या हो रहा था बीच की एक प्लेट इस डायरेक्शन में एक प्लेट इस, इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी इसीलिए तो हम बोलते हैं कि अटलांटिक अटलांटिक्वेश्चन बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है क्योंकि उसकी प्लेटें दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है नीचे से मैग्मा आ रहा है और जम के नया क्रस्ट बन रहा है और इसी वजह से बोला जाता है जो पैसा क्वेश्चन है वो छोटा हो रहा है क्यों अगर दो जगह से स्पेस बढ़ेगा तो तीसरी जगह पर स्पेस कम ही तो होगा लाइक आपके पास में ग्लोब आपके पास में मान के चली थोड़ी सी जगह है दो चीजों को अगर दूर लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं से तो दो चीजें एक दूसरे के पास भी तो आएगी अगर लिमिटेड जगह है तो तो सेम वही चीज यहां पे देखने को मिली हमें अब देखिए बाउंड्री बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड किलोमीटर ऑक्यूपाइड अबाउट वन थर्ड ऑफ द ओशियानिक फ्लोट नॉट ऑल ऑल सेंटर्ड इन द दिनिक बेसिन मिड अटलांटिक रेड एंड मिड इंडियन ओशन रेड आर सेंट्रल एंड ईस्ट पेसिफिक राइज सर्टेन वाइज नॉन सेंट्रल लोकेशन मिड एटलांटिक रेट्स एंड ईस्ट पैसिफिक राइज आर द मोस्ट एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर्ड एंड स्टडीड रेट ऑल ऑफ द रेट ज्वाला से बनती है एंडिस्ट ऑफ बिटिकावाट वेरीज ऑन ए एवरेज इट इज वन थाउजेंड किलोमीटर द एवरेज हाइट ऑफ इज अबाउट टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर मतलब की पहली बार तो बहुत सारी होती है इनकी अगर एवरेज चौड़ाई की बात करें तो एक हज़ार किलोमीटर तक ये चौड़ी हो सकती है ऊंचाई की बात करें तो लगभग ढाई हजार मीटर तक ऊंचाई हो सकती है तो आप देखिए ढाई हजार मीटर की ऊंचाई कहाँ से होगी जहां पे आपका सरफेस होगा सरफेस से ढाई हजार मीटर ऊंची इसका मतलब यह है कि सी लेवल तक नहीं आ पाएगी क्यों क्योंकि इनकी गहराई सी लेवल से तीन हजार से छह हजार के बीच में होती है इनकी एवरेज हाइट दो हजार पांच सौ होती है रिट्स आर कैक्टेसाइड बाई एक्टिव सेस्मिक इवेंट्स डिस्क्रिप्शन है इसका ये है कि रिट्स आर जियोलॉजिकली एक्टिव क्रस्ट मेड यंगर देन दर्थ और फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है दी आर टू प्रोसेस एक आता है क्लियर लेट नहीं बहुत लेट हो गए हो काफी लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं यहां तक का समझ में आ गया सभी को अब मैं एक बार आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में अच्छे से जो भी लेट हो गए हैं उनको मुझे पता है आप लोग लेट हो गए आज हमारा जो ओशन का जो फ्लोर था उसके सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आपके सब मरीन कैन्यन्स कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे सब मरीन कैन जिसको बोला जाता है अंतः सागरीय कंदराएं ओके, कल की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा सब मरीन कैन ऑन अंतरसागरी अंतरसागरी ठीक है अब एक बात मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए कि अब तक की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है पूरी तरह से याद कर लेना ओशन के जो फ्लोर होते हैं दोस्तों ओशन के रिलीफ चार पार्ट्स में होते हैं कौन कौन से कॉन्टिनेंटल शेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप डीप सी प्लेन एंड ओशियानिक एंड ओशियानिक ट्रेचेस कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ सॉरी सबसे पहला हिस्सा होता है एवरेज डेप्थ इसकी 100 टू 180 मीटर होती है मतलब ज्यादा डेप्थ नहीं होती है मछली के उत्पादन के लिए अच्छी जगह होती है इसका जो ढाल होता है एक से तीन डिग्री तक का इसका ढाल होता है टोटल अगर एरिया की बात करें तो 8.6 परसेंट का टोटल एरिया ये ओशियानिक रिलीफ का कवर करता है इसमें सबसे बड़ा एरिया कवर करता है अटलांटिक ओशन जिसके 13.3 पॉइंट हिस्से पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाए जाते हैं उसके बाद में जो सबसे ज्यादा हिस्सा कवर करता है दोस्तों वो आता है आपका पैसिफिक ओशन जिसके लगभग लगभग 5.4 हिस्से पे ये मिलता है और फिर आता है इंडियन ओशन फोर पार्ट पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद में सेकेंड नंबर पर आती है हमारी कॉन्टिनेंटल स्लोप इसका स्लोप ज्यादा पांच डिग्री होता है लेकिन अलग अलग जगह डिग्री तक भी देखा जा चुका है सेंट पॉल पे इसका स्लोप थोड़ा कहीं पे ज्यादा होता है इसकी अगर एवरेज गहराई की बात की जाए तो ये लगभग लगभग 200 से 2000 मीटर तक ये गहरी होती है इसका जो टोटल एरिया इसका जो टोटल हिस्सा कवर किया जाता है दोस्तों टोटल का लगभग लगभग एट परसेंट टोटल ओशन रिलीफ का ये कवर करता है इसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा ओशन कवर करता है लगभग 12.5 का हिस्सा इसके बाद में जो पैसेफिक ओशन है वो 7 परसेंट का पार्ट कवर करता है और इंडियन ओशन 6.5 परसेंट का हिस्सा कवर करता है देन इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आती है हमारे डीप सी प्लेन डीप सी प्लेन आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप और ट्रेचेस के बीच का हिस्सा होता है टोटल ओशियन के रिलीफ का 75.9 परसेंट का हिस्सा कवर करता है। इसमें अगर देखा जाए तो अटलांटिक ओशन का रेशियो कंपैरेटिवली कम रहता है क्योंकि ओशन 80.3 परसेंट पे पाया जाता है 80.3 परसेंट अपने पूरे पैसिफिक ओशन का हिस्सा डीप सी प्लेन के अंदर आता है इंडियन ओशन का 80.1 परसेंट हिस्सा डीप सी प्लेन में आता है अगर कंपेयर किया जाए अटलांटिक ओशन से तो इसका 54.9 परसेंट हिस्सा ही अटलांटिक ओशन में पाया जाता है क्यों क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप में अटलांटिक ओशन की मात्रा थोड़ी ज्यादा थी इसके अगर स्लोप की बात की जाए तो 15, 15 से 15 डिग्री का इसका स्लोप माना जाता है इसका एवरेज स्लोप 15 से 15 डिग्री का माना जाता है इसके अंदर हमें अलग अलग हिल्स देखने को मिलती है अटॉल देखने को मिलती है ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से यहाँ पर अलग अलग आइलैंड्स बन जाते हैं इसकी एवरेज गहराई तीन से छह मीटर के बीच में होती है देन इसके बाद में सबसे लास्ट में आता है दोस्तों ट्रेचेस ट्रेचेस का टोटल ओशन में से सात परसेंट हिस्से पे ट्रेचेस पाए जाते हैं अब तक लगभग लगभग ट्रेचेस की पहचान करी गई है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेचेस पैसिफिक ओशन में देखने को मिले हैं फिफ्ट थर्टी टू ट्रैचेस इसके बाद में अटलांटिक ओशन में देखने को मिले हैं नाइनटीन ट्रेचेस और सबसे कम ट्रेचेस देखने को मिलते हैं इंडियन ओशन में मात्र ट्रेचेस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैच मैरियाना ट्रैच है जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट फिलिपींस के पास में फिलिप नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में लगभग लगभग इलेवन थाउजेंड किलोमीटर की गहराई पे बसा हुआ है ट्रैचेस को अगर देखा जाए तो ये दो तरह के होते हैं एक होते हैं बहुत गहरे लेकिन कम इंटेंसिव मतलब कि उनका क्षेत्रफल कम होता है गहराई बहुत होती है एक होते हैं बहुत गहरे और लंबे संकरे रूप से दुनिया में जो सबसे बड़े ट्रैचेज हैं इनकी एवरेज गहराई मानी जाती है छह हजार से ग्यारह हजार के बीच में सबसे बड़ा आपका ग्यारह हजार का ट्रैचेस माना जाता है इज इट क्लियर एवरी वन यहां तक का सबको समझ में आ गया अब मैंने आपको अब तक की हमारी जो पूरी क्लास हुई है उसका अच्छे से एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है कि क्या हमारे ट्रैचेस होते हैं कैसे ये काम करते हैं इन सब के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने बताया है मैं बोलती हिंदी में ही हूं मैं इंग्लिश में नहीं बोल रही हूं कल से हम सबमरीन कैनियंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है कैसे बनती है इनके बारे में समझना बहुत जरूरी है आई होप आपको क्लियर होगा कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए गाइज थैंक यू सो मच क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और आज शाम को मेरी क्लास होने वाली है याद रखना सेवन पीएम पे सेवन पीएम पे मेरी क्लास होने वाली है क्लास का लिंक इसी क्लास के कमेंट सेक्शन से मिल जाएगा वहां पे आप सीधा मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड है दोस्तों यूजीसी टेन की मदद से की मदद से आप आपकी क्लास को अनलॉक करवाएंगे फ्री क्लास को अनलॉक कराने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं देखिए जैसे मैंने आपको बिल्कुल कंटिन्यू स्पीड से बोला मैं चाहती हूं कि आप लोग भी जो जितने हमारे जो रेशो है यानी कि आपको ये याद हो जाना चाहिए कि कौन कितने परसेंट पे पाया जाता है इसको सबको याद कर लेना है और जो अमाउंट है उसको रट लेना है क्योंकि मैं कभी भी किसी भी क्लास में ये पूछ सकती हूं क्लियर देखिए मेरियाना ट्रैच की जो डेप्थ है उसको लेकर के डाउट है कुछ लोग बोलते हैं इलेवन थाउजेंड जीरो मीटर होती है कुछ लोग बोलते हैं इलेवन थाउजेंड जीरो ट्वेंटी टू मीटर होती है आप अलग अलग बुक्स में देखेंगे सविंद्र सिंह में आप अगर देखते हैं तो ये ट्वेंटी टू आती है ठीक है गाइज थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे बाय